बुरहानपुर जिले के नीपानगर में वन इलाके में रहने वाले आदिवासी जो वन भूमि पर काबिज है, उन्हें लंबे समय के बाद भी पट्टे नहीं दिए गए। इसके अलावा आदिवासियों के साथ वन कर्मियों द्वारा मारपीट करने, उनके सामान और पशुओं जब्त किया जाने का आरोप आदिवासियों ने लगाया। वन में निवासरत आदिवासियों ने कहा कि पट्टा नहीं दिया तो हम वोट नहीं देंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। करीब 600 की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे रैली के रूप में जनसुनवाई में शिकायत करने पहुंचे। आदिवासी ने कई बार कलेक्टर से मांग की लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही। आदिवासियों ने आरोप लगाया कि वन विभाग के कर्मचारी खेतों में लगाई फसलों को नष्ट कर रहे हैं, आवासीय मकानों को तोड़ देते हैं, सामान और जानवरों को जब्त कर लेते, पुलिस थाने शिकायत करने जाओ तो सुनवाई नहीं होती। इस तरह के आरोप फॉरेस्ट कर्मियों पर लगाया। नाराज आदिवासी ने कहा कि उन्हें पट्टे दिया जाए और उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाए, वरना वे आगामी चुनाव में वोट नहीं देंगे। नेपा SDM ने बोला था अप्रैल में कि 8 दिन के अंदर हम सत्यापन के काम चालू करेंगे। खकनार के CEO ने बोला था कि हम 25 मई से चालू करेंगे। कलेक्टर बुरहानपुर ने बोला था कि हम जल्द से जल्द करेंगे, लेकिन ये नहीं हो रहा है। राज्य शासन ने 5 अप्रैल से सत्यापन का काम शुरू करके 15 दिन के अंदर कंप्लीट करने का आदेश दिया था, लेकिन 5 अप्रैल से लगा के 5 जून तक इस कोई भी कार्रवाई अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। बनवा रहे हम आपके पट्टा बनवा रहे हैं, और पट्टे बनवाने के झूठे आश्वासन के बल पर वोट ले जाते हैं। तो अभी गांव-गांव में यही चर्चा चल रहा है कि अब की बार हम नहीं देंगे वोट। बुरहानपुर से नौशाद नूर की रिपोर्ट।